अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कुकी शाह और दोबारा एक नए व्लॉग के साथ हम लोग जा रहे हैं वादी दरबात और तकरीबन यहां से है 27 किलोमीटर। और मैंने कहा चलें रास्ते में ये खूबसूरती भी आपको दिखाते हुए चलें, और बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी वहां पे जाके वो भी आपको दिखाते हैं आगे। ये चेक करें डेट्स, ये जा रहे जी रास्ता वादी दरबात और हम लोग करीब ही हैं माशाल्लाह, रह गए 21 किलोमीटर। तो व्यू बड़ा ज़बरदस्त था तो मैंने कहा थोड़ा सा ये भी दिखाते हुए चलें आपको। और मैं दोबारा साइन रोड आ रहा है आगे, मैं कोशिश करता हूँ ज़रा कवर करके। और वो सामने वाटरफॉल बरल, सबर 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 सबर, ये है जनाब वादी दरबात बिल्कुल। ये बाकी नज़ारा, ये सारा एरिया जो है ना किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीन था, जो अभी बिल्कुल ग्रीनरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मतलब फिर भी अच्छे ही मौसम पे आए हैं, कल बारिश हुई थी एक दो दिन पहले और बेहतर रहा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है और यहाँ पे भी टूरिस्ट अच्छे खासे हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ दरबात कैफ़े, ये रास्ता जा रहा है आगे, देखते हैं हम लोग भी जाके नीचे क्या है। सब लोग जा रहे हैं तो हम भी आगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है आगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ, आगे चल के देखते हैं। पैदल चलना बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मुबीन साहब, आज एक दिन के अंदर हम लोगों ने कितनी जगह कवर की हैं और करनी है। और ये बड़ा फायदा है अर्ली मॉर्निंग उठने का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोगों ने मैं 2-3 दिन से लगातार सफ़र कर रहा था, खैर इससे ज़्यादा ही है, कम से कम मैंने एक लास्ट वीक के अंदर गालिबन 4000 किलोमीटर तक मैंने सफ़र किया है। और फिर भी मैं रात को हम लोग 3-4 बजे गालिबन सोएँ और सुबह दोबारा हम लोग 8:30 बजे उठ के नाश्ता करके और 10 बजे तक हम लोग अपने सफ़र पे निकल चुके थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जगह कवर कर ली हैं। और ये एक कैफ़े है यहाँ पे दरबात कैफ़े, यहीं पे सारे आई थिंक सो जा रहे हैं। और नीचे स्विमिंग जो है वो मना की है उन्होंने, मैंने साइन बोर्ड पर पढ़ा है वहाँ पर। ये लास्ट जो दरबात कैफ़े है, जो साइन बोर्ड पीछे ऑलरेडी लगा हुआ था, बट मैं यहाँ से व्यू अच्छा नज़र आएगा इंशाल्लाह, आगे जाके दिखाता हूँ आपको। और नीचे तो मुझे लग रहा है खजूरों के बागात हैं। अच्छा ऊपर आऊँ? ओके ओके, यहाँ से बुला रहे, मैं ऊपर जाता हूँ इंशाल्लाह, ज़रा ज़्यादा व्यू अच्छा नज़र आएगा। अल्लाह आई वाह। हाँ जी, तो ये है वो व्यू वादी दरबात का, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, पानी का कलर चेक करें आप। और ये नीचे बागात हैं खजूरों के, डेट्स के। टूरिस्ट अभी भी अच्छा खासा है यहाँ पे, मतलब अभी ये मत्थर का जो सीज़न है वो तो ख़त्म हो रहा है, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत सब्ज़ा जो है ना पहाड़ियों पे बाकी है, ये बारिश की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और ये है सारा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू सबसे ज़बरदस्त है। दरबात हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर कैफे था और बहुत सारे ऊंट हैं यहाँ पे, ये देख लें आप। ये बनाओ ना, ये जनाब नज़ारा नीचे का मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह, नारियल पानी, ये जनाब नारियल पानी है यहाँ पे। वाओ पानी है अभी। और मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, जबरदस्त किस्म का व्यू है,
ये देखें, मैं नीचे जाता हूँ इंशाल्लाह। गाड़ी मैंने यहाँ पे की है पार्क, और बंगाली हैं दादू, उनसे लिया है मैंने ये गावा एक। और ये देख लें दादू कैसे है। अच्छा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेल कर रहे हैं, और ये नीचे है जगह, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाय हेलो, हाउ आर यू? गुड। मैं अभी नीचे जाता हूँ इंशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, और माशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरफ से आपको दिखाऊं अच्छे से अच्छा जो है व्यू। माशाल्लाह, ये है जी सलाला की खूबसूरती, और जिसे हम लोग पहले सिर्फ वीडियोस में देखते थे, आज मौका मिला ख़ुद भी आने का। ये देखें जी, ये है वादी दरबात। ओसम ओसम, माशाल्लाह। ये चेक करेंगे, वो ऊपर से देखें जहाँ से आ रहा है पानी नीचे, माशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे हैं वादी अल दरबात के, और जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है। और मैंने गाड़ी ये पार्क की है अपनी, सही है, मैं चल के आपको दिखाता हूँ नीचे। और व्यू यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त। वाह, ओहो, ये चेक करें माशाल्लाह। और मैं नीचे जाके कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाऊं व्यू। अभी भी बड़ा कमाल का माशाल्लाह, पानी और मतलब ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। और ये देखें, दिखाता हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। हमें भी दिखाएं साथ। जी जी, आप ये देखें ना, ये जनाब एंजॉय द सुपर मोमेंट। ये है जी वादी अल दरबार का जो साइन है, ये है, ये है जनाब स्पेशली जहाँ पे बोट भी चलती है। मैं एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए, और फिर भी नॉट बैड। यहाँ पे शिप लोड कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ पे इस कैनाल के अंदर चलते थे। मैं आपको दिखाता हूँ ये आगे, ये शिप लोड हो रहे हैं। और ये कैनाल है अच्छी खासी लंबी है, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रश होता है उस टाइम, वीडियोस में देखा था, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी मिला आने का। ये हम लोग आए हैं लास्ट पे कैनाल पे वादी अल दरबात के, और ये शिप्स हैं यहाँ पे जो अंदर चलते हैं। ये व्यू ज़बरदस्त है, पाकिस्तानी है सारे माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जगह बड़ी खूबसूरत है, मुझे दूर से नज़र आई है तो मैं आ गई हूँ देखने के लिए स्पेशली। ओमानीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा व्यू भी बनाया हुआ है। ज़बरदस्त। सलाम अलैकुम, क्या फ़ारक? अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह भैया। बैठो, जूता उतार के।
अच्छा जी, माशाल्लाह वादी अल दरबात का टूर भी हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे हज़रत इमरान या हज़रत साले अलैहिस्सलाम, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम उनके दरबार पे जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे सामरी जादूगर है उसके करीब ही, वो भी देखेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा है टूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।